हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है GW600। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एंगल ग्राइंडर है, 600 वाट का है। तो इसमें दोस्तों ये देखिए, ये हिल रहा है। तो आज की ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ये जो हिल रहा है तो इसका कारण ओनली ये वायरिंग नहीं होता है, और भी कारण होता है, तो ये मैं बताऊँगा आगे। तो वीडियो में जारी रहना, तो और इसमें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कैसे हम उसको चेंज करेंगे, क्या क्या चेंज करेंगे, अगर आपका बेयरिंग ये सही है फिर भी क्यों हिलता है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आगे वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, आप चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, तो ये चैनल में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, मशीन को चला लेना है। ये देखिए, मैं मशीन चला रहा हूँ। यहाँ देखिए सीरीज बोर्ड है, बहुत स्पीड चल रहा है, तो इसका मतलब कोई भी इशू नहीं है। आप मैं डायरेक्ट ओके मैं अभी डायरेक्ट देने वाला हूँ, और साउंड देखिए तो इसमें दोस्तों कोई भी साउंड भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब यहाँ पे कोई भी चीज यूज करोगे तो हिलता है वो ज्यादा, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मशीन लाया है मेरे पास, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। चलिए यहाँ से हम 4 स्क्रू निकाल लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमको इसको खोलने का तरीका, 4 स्क्रू खोल लिया हूँ मैं, अभी हमको यहाँ से खींच लेना है। अगर ये नहीं निकल रहा है तो भी उसके में उसका भी सोल्यूशन है आपके पास, एक हमर लाइए और यहाँ से पीटिए। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, देखिए ये आ रहा है। इसमें जोड़ नहीं पिटना है, धीरे पिटना है, क्योंकि ये टूट भी सकता है, तो ये जरूर ध्यान दीजिए। ये निकल गया। ओके दोस्तों, यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये बेयरिंग, जो नीडल बेयरिंग लगता है, उसको चेक करना है। इस मशीन में नीडल बेयरिंग बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। और दूसरा हमको क्या करना है, इसमें ये जो बेयरिंग का टाल है वो हमको चेक करना है। यहाँ पे देखिए, बेयरिंग भी मुझे लगता है सही है, थोड़ा टाल है लेकिन सही है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। और तीसरा बड़ा चीज है, यहाँ पे देखिए, ये स्पिंडल खा गया है, यहाँ से इस स्पिंडल पूरा खा गया है, इसके वजह से ये यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये हिल रहा है। लेकिन ये बेयरिंग यहाँ पे सही है, लेकिन मैं बेयरिंग को भी जरूर चेंज करूंगा, क्योंकि ये बहुत हैवी काम किया जाता है, तो इसके वजह से हमको बेयरिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज है, आप यहाँ पे देखिए, स्पिंडल खा गए, ये देखिए, ये कोई काला नहीं लगता, ये खा गया है। ओके दोस्तों, तो अभी हमको क्या करना है, उसको हमको हाइड्रोलिक जैक या फिर नॉर्मल जैक में हमको उसको खोलना है। अब यहाँ पे पीट के भी खोल सकते हो, लेकिन पीटने से ये दिक्कत होता है, बेयरिंग सबसे पहले ये बेयरिंग खराब होता है। दूसरा चीज, अगर आपका ये स्पिंडल सही होता है, ये स्पिंडल खा जाएगा, सर ये स्पिंडल बेंड हो जाएगा, इसके वजह से आप मत पीटिए। आप कोई भी जैक वगैरह में इसको खोल सकते हो, मेरे पास, मैं खुद बनाया हूँ जैक, हाइड्रोलिक जैक मेरे पास है, लेकिन ये नॉर्मल मेरे पास छोटा सा टेबल जैक है मेरे पास, इसको मैं आसानी से लगा के खोल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, ओके दोस्तों, ये उसको खोलना बहुत आसान है। सबसे मेन चीज यहाँ पे, जो आप वोस यूज करते हो, ये थोड़ा चौड़ा रहना चाहिए, चौड़ा रहने में ये बेयरिंग खराब ना होगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, सबसे मेन चीज यहाँ से हमको प्रेस करना है, और यहाँ से ये स्पिंडल निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं जो आपको बोला, ये चौड़ा होना चाहिए, चौड़ा होने में यहाँ बेस रह जाएगा, ये टूटेगा नहीं ज़्यादा, तो ये बेंड भी नहीं होता है, ये चौड़ा होना चाहिए। देखिए, अगर आप इस टाइप का चीज़ यूज करोगे जो विदाउट बिल्कुल भी तोड़ चौड़ा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा बेंड हो जाएगा, लेकिन दिक्कत करेगा, आपका ये प्लास्टिक होगा तो ये टूट जाएगा। तो इसके वजह से आपको क्या करना है, थोड़ा चौड़ा चीज़ यूज करना है, तो यहाँ पे ये रह जाएगा, यहाँ से हमको प्रेस करना है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, देखिए ऊपर से यहाँ पर यहाँ से प्रेस हो जाएगा, जैसे कि मैं नीचे प्रेस करूँगा तो यहाँ से प्रेस होकर ये निकल चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो अभी हम उसको फिक्स कर लेते हैं, ये देखिए ये फिक्स हो गया, तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिर हमको इसमें, ये देखिए, ये जैक से मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए बहुत जोर से साउंड हुआ, ये कोई भी टूटा नहीं है, कोई भी चीज नहीं टूटा है, ये बस ऐसे साउंड होता है। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिए। आसानी से निकल रहा है, देखिए पीटने का कोई जरूरत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा, ये सस्ता पड़ता है। अगर आपको ये चीज की
ये जरूरत है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं उसको बना के भी आपको देख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा ये ट्रांसपोर्ट में जाने में। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है, तो ये निकल गया है। देखिए तो चेंज करने में ये बहुत आसान चीज़ है, तो ये कभी कभी प्लास्टिक जैसे कि बहुत वगैरह में प्लास्टिक का आता है, तो ये आपको पूरा सेट चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये कास्ट आयरन का है तो आपको उसका बेयरिंग खोल के चेंज कर सकते हो, सस्ता पड़ता है। यहाँ पे 6260 का बेयरिंग लगता है, ये जरूर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ, सर्किल भी निकल गया, देखिए ये सर्किल लगता है, क्योंकि यहाँ खोलना भी बहुत आसान है। नीचे लॉक दीजिए, ऊपर से दीजिए, ओके। तो ये दोस्तों ये निकल गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे उसका स्पिंडल, ये देखिए ये स्पिंडल है और ये 6260 का बेयरिंग है, तो दोनों को हमको चेंज करना है। और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं, सही है, तो हम उसमें ये दो चीज़ चेंज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे उसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, जो भी चीज़ है निकल जाएगा आसानी से, इसको हम ऐसे क्लीन कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर बेयरिंग बिठाएंगे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपका बेयरिंग नहीं जा रहा है तो नीचे कोई लोहा चीज़ रख लीजिए, आसानी से चला जाएगा अंदर। लेकिन अगर ये वुड वगैरह रहता है थोड़ा टाइट रहेगा, नहीं जाएगा, लेकिन अभी जा रहा है। अगर ये नीचे लोहा रहेगा तो पूरा इजीली चला जाएगा, स्ट्रांगली चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लग चुका है, ये आप जैग में भी बिठा सकते हो, मैं ऐसे पेट के पट्टा लिया। तो यहाँ पे देखिए इसका साथ क्लिप लगा लेते हैं, ओके, ये दोनों लग गया है दोस्तों। यहाँ से आपको क्या करना है, मेन चीज़ सो मैं सबसे ज़्यादा मैं बताया हूँ भी क्या करना है आपको, सबसे मेन चीज़ ये है, यहाँ पे स्पिंडल आपको सबसे पहले लगा जाना है बेयरिंग में। अगर स्पिंडल लगा लोगे तो यहाँ से ये फिक्स हो जाएगा और गियर को बिठाने में आसान होगा, सही से परफेक्टली बैठ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गियर अभी भी नहीं लगेगा, ये बात नहीं है, गियर यहाँ पे भी लग सकता है, लेकिन अब सबसे मेन चीज़ इजी हो जाएगा, टाइट नहीं होगा। कभी कभी आप बिठाते हो तो बहुत टाइट होता है, इसके वजह से ये दिक्कत होता है। अभी क्या करना है आपको, सबसे मेन चीज़ इस स्पिंडल में स्पिंडल में ये बेयरिंग को बिठा देना है। अभी देखिए मैं बेयरिंग को बिठा रहा हूँ, तो अभी क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ से सेम चीज़ यहाँ पे नीचे रखना है आपको, और यहाँ से ऊपर में थोड़ा प्रेस कर लीजिए, आसानी से अंदर चला जाएगा। ये देखिए हाथ में ही चला जाता है घुमाने से, ओके। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये फिक्स हो गया। अभी बेयरिंग हम जब भी जितने भी प्रेस करेंगे गियर को, बेयरिंग में कोई भी प्रेशर नहीं होने वाला है। तो अभी दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, इसमें गियर लगाऊंगा। गियर लगाना भी आसान है, तो यहाँ पे इसको लगा लीजिए, और यहाँ पे आप ये यूज मत कीजिए, ये देखिए बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो गियर में जो थोड़ा यहाँ पे गैप है, तो गैप में आपको ऐसा चाहिए चिपका चीज़ चाहिए कि यहाँ पे प्रेस जाइए। देखिए ये रह गया है यहाँ पे गियर, जो गियर का दांत ही रहता है उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस ये जो चीज़ मैं बहुत यूज करता हूँ इसीलिए, क्योंकि ये बहुत जगह में फिट हो जाता है, ये देखिए ये फिट हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे रखना है, ऊपर से प्रेस करना है, ये देखिए यहाँ से प्रेस करोगे तो अंदर चला जाएगा। अभी मैं कर रहा हूँ, अभी क्या करना है भाई, इसमें आपको तो यहाँ पूरा इजीली चला जाएगा दोस्तों, कितना आसान में ये चला गया, देखिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा पूरा जाके। यहाँ पे देखिए आप अगर बेयरिंग के साथ बिठाओगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे देखिए पूरा फिक्स हो गया। और ये देखिए ये थोड़ा ऊपर रहना चाहिए और थोड़ा ऊपर जाएगा,
और ये देखिए ये फिक्स हो गया, इतना ही रहना चाहिए, ये स्पिंडल थोड़ा बाहर जाना चाहिए, ये हो गया रेडी। तो अभी हम उसको लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये लगभग रेडी हो चुका है। क्या अभी क्या करना है हमको, इसमें थोड़ा ग्रीस लगाना है और उसको क्लीन कर लेते हैं। अगर आपका गियर टूटा है तो इसको जरूर क्लीन कीजिए, गियर टूटेगा तो इसमें अंदर सब लोहा वगैरह डस्ट रह जाएगा, तो इसके लिए आपको इसको क्लीन करना है। मतलब मिट्टी का तल जो किरासन रहता है उसमें आपको क्लीन करना है। ये हो गया। तो अभी दोस्तों इसमें आइडियल का ग्रीस यूज़ करूँगा, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का ग्रीस रहता है, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये गियर को यहाँ पे मैं लगा दूँगा। ओके, अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो सबसे पहले ग्रीस मत देखें, नहीं देखें आपको उसको लगा के थोड़ा घुमा देना है, ये परफेक्टली बिठा या नहीं बिठा है वो चेक कीजिए। कभी कभी आपको अगर सही से फिटिंग नहीं आएगा तो उसमें क्या होगा, गियर थोड़ा उठ जाएगा, तो उसके वजह से पिनियन नहीं, अंदर में आर्मेचर का कोई सेटिंग नहीं होगा, ये गियर ऊपर में घूम जाएगा, तो उसकी वजह से आपको ध्यान जरूर दीजिए। जैसे ही मैं किया वैसे ही कीजिए, पूरा परफेक्टली लग जाएगा, उसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, माइंड दिमाग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें कोई भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी साउंड नहीं आएगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा, और ये देखिए बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, और साउंड पूरा स्मूथ आएगा। अगर आप ऐसे ही फिटिंग करोगे तो साउंड में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, परफेक्टली फिटिंग होगा। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, सीरीज में हमको मशीन को चलाना है, तो यहाँ पे सीरीज में चल रहा है, तो अभी हमको मशीन कॉर्नर में देना है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों कोई भी थोड़ा सा भी साउंड नहीं है, और साउंड नहीं है, जितना आना चाहिए जितना नॉर्मल साउंड है वही आ रहा है, कोई और साउंड नहीं है। तो इस टाइप का आप अगर आप गियर फिटिंग करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। तो चैनल में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो देखना है तो मेरा दूसरा चैनल भी है टेक्निकल सिस्टम 2.0, आप नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, और एंडिंग में भी आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हो मेरा टेक्निकल सिस्टम 2 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा वीडियो वहाँ पर भी मिलेगा आपको। तो थैंक यू।